Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back in our channel. Myself, Abhishek Kumar, and you are the mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the cell, the unit of life. It means how to life form through cell, because we each know cell is the basic unit of life. So in this particular chapter, we detail discuss about cell. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friend. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and about section on my channel. So please go through about section on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. So now we discuss about nucleus. Nucleus kya hota hai? इसका फंक्शन क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहले हम एनसीईआरटी की टेस्ट बुक में क्या लिखा गया है वो देख लेंगे, उसके बाद हम अपने वर्ड में सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, है ना। तो देखते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस का नाम होता है नाभिक, नाभिक केंद्रक, ठीक है। नाभिक या इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक, केंद्रक, ठीक है। इसका न्यूक्लियस को नाभिक या केंद्रक बोलते हैं, है ना। न्यूक्लियस क्या होता है देखते हैं। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनल्स, जो न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर पाया जाता है ना। ये सारी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है मास्टर होता है, मास्टर ऑफ द सेल, यानी सेल को मास्टर ऑफ द सेल, मास्टर ऑफ द सेल, मास्टर ऑफ द सेल, यानी सेल का ये मास्टर होता है, यानी सेल की सारी एक्टिविटी को ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करेगा। जो न्यूक्लियस होता है यानी ये सेल के अंदर पाया जाएगा, तो सेल ऑर्गेनल्स होता है ना, इसीलिए यहाँ पे बताया गया न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनल्स वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई, है ना। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल्स है, इसको किसने सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने, है ना। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया कि ये जो न्यूक्लियस है वो एक सेल का ऑर्गेनल्स है। कब डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन साहब ने? कब डिस्क्राइब किया था? 1831 ईस्वी में ये डिस्क्राइब किया कि जो न्यूक्लियस है ये क्या है, सेल का ऑर्गेनल्स है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेटर द मटेरियल, द लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्ट्रेन बाई द बेसिक डाई, है ना। उसके बाद ये जो इसका बेसिक डाई से न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल पाया जा रहा था, जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, हेरिडिटी में काम करेगा, क्रोमोसोम वगैरह पाए जाएंगे, है ना। तो उसको स्ट्रेन किया गया, किससे स्ट्रेन किया गया? बेसिक डाई से, बेसिक डाई से स्कैन स्ट्रेन किया गया, है ना। क्योंकि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है, है ना। डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज होगा, तो इसको किससे स्ट्रेन करेंगे? बेसिक डाई से स्ट्रेन करेंगे, जिसको बेसिक डाई से स्कैन किया गया। गिवन नेम क्रोमेटिन, और उसको नाम क्या दिया गया? उसको नाम दिया गया क्रोमेटिन, नाम दिया गया क्रोमेटिन, नाम किसने दिया? फ्लेमिंग साहब ने दिया, फ्लेमिंग साहब ने क्रोमेटिन नाम दिया। जब उसके मटेरियल को, यानी न्यूक्लियर के मटेरियल को, मटेरियल ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रेन बाई बेसिक डाई, जब न्यूक्लियर के मटेरियल को बेसिक डाई से स्ट्रेन किया गया, तो उसके बाद नाम जो दिया गया क्रोमेटिन नाम दिया गया। क्रोमेटिन नाम किसने दिया? फ्लेमिंग साहब ने दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, है ना, कि क्रोमेटिन नाम किसने दिया था? तो फ्लेमिंग साहब ने दिया था। आगे देखते हैं द इंटरफेस न्यूक्लियस। ये इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस न्यूक्लियस का क्या होता है, इसमें क्या बताया गया? इंटरफेस, द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इज नॉट डिवाइडेड, है ना। इसमें यह बताया गया कि इंटरफेस जो होता है न्यूक्लियस का, ऐसा फेस होता है जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करती है, बट क्या है, यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करती, बट इसकी सेल एक्टिव होती है, मेटाबोलिक एक्टिव से बोलती है, यहाँ पे मेटाबोलिक एक्टिव सेल होगी, यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करेगी, बट ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट पर चली गई, ऐसा नहीं है, फिर वो डिवाइड करेगी, ठीक है, है ना। इंटरफेस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इज नॉट डिवाइड हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलेबोरेटेड न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर कॉल क्रोमेटिन, है ना। इसमें क्या होता है, इंटरफेस में जब होता है सेल डिवाइड नहीं करती है, और हाईली एक्सटेंडेड एंड एलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन के फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या है, याद रखेंगे, क्रोमेटिन क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन के फाइबर हैं, याद रखेंगे, क्रोमेटिन क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन के फाइबर हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जो न्यूक्लियस में पाया जाएगा, ऐसा मैट्रिक्स जो न्यूक्लियस में पाया जाएगा उसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड और वन और मोर स्पेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियाई, और उसमें एक या एक से ज़्यादा स्पेरिकल बॉडी पाए जाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई बोलेंगे। न्यूक्लियाई का जो सिंगुलर होता है न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस का काम क्या था, राइबोसोम की सिंथेसिस कर रहा था, क्या कर रहा था, राइबोसोम सिंथेसिस कर रहा था, क्या, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस राइबोसोम की सिंथेसिस कर रहा था, ठीक है।
ये एक से दो पाए जा सकते हैं पेरिकल बॉडी, ठीक है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसका फिगर 8.10 में मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले टेस्ट में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड डेट द न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद द स्पेस बिटवीन 10 to 50 nm कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से हम सेल की स्टडी अच्छे से कर पाए, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ें हम उसको आसानी से देख पाए, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से रिवेल का मतलब होता है प्रकट होना यानी पता चलना, यानी चीज़ हमारे सामने आई, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी के बाद हमको ये पता चला कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है यानी न्यूक्लियर के बाहर की जो कवरिंग होती है उसमें टू पैरेलल मेम्ब्रेन होती है, दो समांतर क्रम की मेम्ब्रेन होंगी, जो दो दोनों के बीच में स्पेस होगा कितना होगा 10 to 50 nm। मान लो एक ये हुई एक ये हुई, तो इस दोनों के बीच में जो स्पेस हुआ ये 10 to 50 nm हुआ, कितना हुआ 10 to 50 nm हुआ, 10 to 50 nm स्पेस हुआ, है ना। ये मतलब नैनोमीटर, है ना। कार्ड इसको क्या बोले, इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोले, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला। पेरी न्यूक्लियर स्पेस कितना हुआ 10 to 50 nm हुआ, ठीक है। आगे क्या है, फॉर्म ए बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड डेट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। जो ये मेम्ब्रेन का काम क्या होता है भाई, बैरियर कॉज कराएगी ना, पेरी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होगी, पेरी न्यूक्लियर स्पेस होगा, वो बैरियर कॉज कराएगा, बैरियर एक बनाएगा, बैरियर बनाएगा बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस में उसके बीच में बैरियर, और साइटोप्लाज्म, है ना, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर के बीच में क्या बनाएगा, बैरियर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन यूजली रिमेन कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट। मैंने आपको बताया था जो न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन थी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई थी और कंटिन्यूअस लेयर बना रही थी, है ना, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बना रही थी जो एंडोप्लाज्मिक से जुड़ी हुई थी, और उसमें क्या थे, राइबोसोम थे। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम थे तो क्या हो रहा था, वो RER हो रहा था, यानी रैप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा था, प्रोटीन की सिंथेसिस और सिक्रीशन कर रहा था, और जिसमें राइबोसोम नहीं थे उसको क्या बोल रहे थे, SER बोल रहे थे, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो लिपिड का सिंथेसिस करा रहा था, है ना, एंडोजन बना रहा था, डिटॉक्सिफिकेशन साइट ऑफ लीवर SER था, ठीक है, हमने पढ़ा था सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। आगे क्या है, आगे बताया, एट ए नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाई माइन्यूट पोर, है ना। एक जगह होता है जहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो इंटरप्ट होता है ना, एक जगह होती है जहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्टेड होगा, यानी वहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप पे क्या होगा, मान लो ये न्यूक्लियर पूरी है तो यहाँ पे क्या होगा, छेद होगा, ऐसे इंटरप्ट होंगे, या ये पोर बना देगा, क्या बनाएगा, ये पोर बना देंगे, न्यूक्लियर पोर बन जाएंगे, तो वहाँ से क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्टेड बाई माइन्यूट पोर, है ना। माइन्यूट का मतलब होता है, माइन्यूट का मतलब होता है छोटे छोटे, क्या, छोटा छोटा, छोटा छोटा, माइन्यूट का मतलब होता है छोटा छोटा पोर बन जाएगा, है ना, छोटा छोटा क्या बन जाएगा, पोर बन जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, जो छोटा छोटा पोर बनेगा उसको न्यूक्लियर पोर बोलेंगे, जो बनता है बाई फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, है ना, दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनता है, दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनता है, यानी फ्यूजन का मतलब जुड़ने से, मतलब जुड़ने से, यानी दो मेम्ब्रेन के जुड़ने से बनेगा क्या, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। दीज न्यूक्लियर पोर आर द पासेस थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, है ना। जो न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है, ये आरएनए को, है ना, ये किसको किसको, ये आरएनए को और प्रोटीन के मॉलिक्यूल को, न्यूक्लियर पोर से क्या होगा, आरएनए के मॉलिक्यूल और प्रोटीन के मॉलिक्यूल, ये दोनों डायरेक्शन में जा सकेंगे, न्यूक्लियस से बाहर भी जा सकेंगे और न्यूक्लियस में जा सकेंगे, यानी न्यूक्लियस से बाहर जाएंगी चीज़ें साइटोप्लाज्म में जाएंगी और साइटोप्लाज्म से चीज़ें न्यूक्लियस में जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, आरएनए जाएगा और क्या जाएगा, प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो होंगे वो कहाँ से जाएंगे, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, दोनों डायरेक्शन में वो जाएंगे इसी पोर से, ठीक है। आगे क्या है, नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, है ना। नॉर्मली जो होता है एक सेल में तो कितना, एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा नॉर्मली,
नॉर्मल कंडीशन में, बट इसमें वेरिएशन जो होते हैं वो भी देखा जाता है ना, वेरिएशन जो होता है वो देखा जाता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व, बट इनकी सेल में नॉर्मली सेल में एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, बट इसका जो वेरिएशन होगा वो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, यानी आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। कैन यू रिकॉल नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म डेट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल, क्या आप ऐसा रिकॉल कर सकते हैं कि जिसमें एक न्यूक्लियस से ज़्यादा एक सेल में हो, क्या आप ऐसा रिकॉल कर सकते हैं कि एक न्यूक्लियस एक सेल से ज़्यादा हो, ये हमको क्वेश्चन दिए गए हैं। सम मैच्योर है ना, कुछ मैच्योर होती हैं, सब मैच्योर सेल्स इवन लैग न्यूक्लियस, किसी किसी मैच्योर सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसे हमारी वुमन की आरबीसी हो गई एक जीता जागता एग्जांपल है ना, जो होती है यूनिक्लेटेड होती है, सीव ट्यूब होती हैं है ना, उनमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है यानी यूनिक्लेटेड होती हैं। कुछ मैच्योर सेल में क्या होता है, इवन इरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मेमल्स है ना, बहुत सारे मेमल्स में जो इरिथ्रोसाइट होंगे, यानी हमारे जो इरिथ्रोसाइट होती हैं वो आरबीसी होती हैं, इरिथ्रोसाइट आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ये कैसी होती हैं, इन्यूक्लिएटेड होती हैं, यूनिक्लिएटेड होती हैं, यानी इसमें न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ना। इरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मेमल्स, ट्यूब सेल ऑफ वास्कुलर प्लांट, हमने वास्कुलर प्लांट एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म यानी जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था, एंजियोस्पर्म में उसमें मैंने बताया था आपको कि जो वास्कुलर प्लांट होते हैं ट्यूब सेल होती हैं है ना, ट्यूब सेल होती हैं, कंपेनियन सेल होती हैं, ट्यूब सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए इसका जो फंक्शन कंट्रोल करती हैं वो कंपेनियन सेल ट्यूब का फंक्शन कंट्रोल करती हैं। ठीक है, वास्कुलर प्लांट का मतलब जिसमें जैलम ऑफ फ्लोएम पाए जाएंगे, ठीक है, वास्कुलर बंडल पाए जाएंगे। वुड यू कंसाइडर दीज सेल आर लिविंग, तो आप इनको क्या कंसाइडर कर सकते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है तो इसको क्या हम लिविंग कंसाइडर करेंगे, हाँ भाई लिविंग तो ही है वो, लिविंग तो कंसाइडर करेंगे, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है तो वो मृत है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस नहीं है तो वो डेड है, नहीं वो डेड नहीं है, वो लिविंग है बट उनका फंक्शन कोई और कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या है फिर आगे देखते हैं, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियर के अंदर जो मैट्रिक्स था, सेल के अंदर जो मैट्रिक्स था उसको हम क्या बोल रहे थे, साइटोप्लाज्म बोल रहे थे है ना, वो सेल के अंदर जो मैट्रिक्स था उसको साइटोप्लाज्म बोल रहे थे। अब यहाँ न्यूक्लियस की बात हो रही है ना, न्यूक्लियस हम पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, सेल के अंदर के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, सेल में जो मैट्रिक्स होगा उसमें क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, यहाँ न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा एंड क्रोमेटिन होंगे है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था उसमें राइबोसोम पाए जा रहे थे, यहाँ पे क्या होगा न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा जो कि राइबोसोम की सिंथेसिस करेगा, वो क्या होगा क्रोमेटिन होंगे है ना, क्रोमेटिन होंगे। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन होंगे, ये हम न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन होंगे है ना। आगे देखते हैं, द न्यूक्लियाई आर स्पेरिकल, जो न्यूक्लियाई होते हैं यानी न्यूक्लियोलस, इसमें क्या होता है यार, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का मतलब क्या था, हमको क्या बताया गया था, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो होता है इसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, ये होते हैं स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियाई होते हैं यानी न्यूक्लियोलस होते हैं, ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये राइबोसोम की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट होता है ना, न्यूक्लियोलस, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूड विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो हमारा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसका जो कंटेंट होता है ये पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में सेम होता है ना, कंटेंट होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, द एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोलस जो होता है इसका काम क्या होता है, इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, ये क्या करेगा, राइबोसोमल यानी आरएनए की सिंथेसिस करेगा, राइबोसोम क्या करेगा, आरएनए की सिंथेसिस करेगा, कहाँ से होगा, न्यूक्लियोलस से होगा, न्यूक्लियोलस से क्या होगा, सिंथेसिस होगा है ना, सिंथेसिस होगा। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर, जो लार्ज होती हैं बहुत सारी लार्ज होती हैं, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर
प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट द प्रोटीन सिंथेसिस, और वो क्या करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में सेल क्या करेगी, हेल्प करेगी। और आपने देखा होगा कि इंटरफेस न्यूक्लियस है जो लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर, जिसे क्या बोला, क्रोमेटिन बोला। इन्होंने ये बताया है कि आपने इंटरफेस में देखा होगा कि एक इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियस में देखा होगा कि एक लूज और इनडिस्टिंक्ट मतलब अस्पष्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स का बना हुआ एक नेटवर्क होगा, आपने ये देखा होगा, इसको क्या बोला, क्रोमेटिन बोला। क्या बोला, क्रोमेटिन बोला गया, ठीक है। क्रोमेटिन होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का फाइबर, है ना। क्रोमेटिन न्यूक्लियो प्रोटीन का फाइबर होता है। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, डिफरेंट सेल डिवीजन की स्टेज पे क्या होता है, सेल्स ऑफ स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। जब सेल डिवीजन की स्टेज होती है, सेल की डिफरेंट स्टेज होती है, तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि जो सेल में क्रोमोसोम दिखते हैं हमको, है ना, सेल में क्या दिखते हैं, क्रोमोसोम दिखते हैं उन न्यूक्लियस की जगह पे, यानी न्यूक्लियस नहीं दिखता है, न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमको दिखता है, क्या दिखता है, क्रोमोसोम दिखते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि सेल की डिफरेंट स्टेज में, सेल डिवीजन में हमको क्या दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेंगे, न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, याद रखेंगे। क्रोमेटिन में क्या होगा, डीएनए होगा एंड सम बेसिक प्रोटीन्स होंगी, जैसे हिस्टोन प्रोटीन, है ना। क्या क्या होगा, क्रोमेटिन में क्या होगा, डीएनए होगा, यानी डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, एंड हिस्टोन प्रोटीन होंगी, है ना। ये हिस्टोन प्रोटीन होंगी, कैसी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन कैसी प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है, याद रखेंगे। कैसी प्रोटीन है ये, हिस्टोन प्रोटीन कैसी प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है, याद रखेंगे, ठीक है। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती हैं और आरएनए भी होता है, तो हमसे कभी कभी ये पूछ लेते हैं इनका परसेंटेज क्या है, ठीक है। कभी कभी इनका पूछते हैं कि जो क्रोमेटिन में है डीएनए है, बेसिक प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और आरएनए का परसेंटेज क्या होता है, तो क्या होता है, जो क्रोमेटिन में क्या होता है, 40% जो होता है उसमें डीएनए होता है, 40% डीएनए होगा और 40% क्या होगी, हिस्टोन प्रोटीन होगी जो कि एक बेसिक प्रोटीन है, ठीक है। और 10% क्या होगा, आरएनए होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा, और 10% क्या होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी, ये हम याद रखेंगे। यानी डीएनए कितना हुआ, डीएनए हुआ 40%, ठीक है, क्रोमेटिन में, और इसकी बेसिक प्रोटीन जो स्ट्रोन प्रोटीन है वो कैसी हुई, 40% हुई, नॉन स्ट्रोन प्रोटीन 10% हुई, और आरएनए कितने परसेंटेज हुआ, 10% हुआ, ये याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या होता है, ह्यूमन सेल में क्या होता है, हमारा जो डीएनए की लेंथ होती है ना, डीएनए कितने मीटर लंबा होता है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 2 मीटर, कितना, 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, कैसा, थ्रेड लाइक होता है, जो कि किसमें, 46 यानी 46 क्रोमोसोम में, है ना, 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, 46 बोला था यानी 23 पेयर, यानी 23 पेयर यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12। हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर पे देखेंगे, है ना, डीएनए पैकेजिंग के बारे में, है ना, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, कहाँ पे, किस बुक का है, एनसीईआरटी 12th यानी 12th क्लास में ये हम पढ़ेंगे, सेकंड एनसीईआरटी में देखेंगे, ठीक है। यूरी क्रोमोसोम इसेंशली है जे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर्स ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क स्ट्रक्चर कॉल्ड कैंड्रोकोर आर प्रेजेंट, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है, प्रत्येक क्रोमोसोम यूरी क्रोमोसोम में एक इसेंशली है जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर्स होता है, आगे मैं आपको फिगर में बताऊंगा, ठीक है। मान लो ये हुआ और ये हुआ, इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे ये हुआ जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ये क्या हुआ, प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन हुआ, ठीक है, ये प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन हुआ। यहीं पे कैरेंटोकोर ऐसे लगे होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर को अटैच करते हैं, इसमें स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं कैरेंटोकोर में, ठीक है, आगे चल के बताते हैं आपको, ठीक है। यूरी क्रोमोसोम इसेंशली है जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको सेंट्रोमियर्स बोलते हैं, ऑन द साइड विच डिस्क सेक स्ट्रक्चर, जहाँ पे
इसी जगह यानी सेंट्रोमियर्स में ही डिस्क से स्ट्रक्चर यानी डिस्क से स्ट्रक्चर आएंगे, उनको क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर बोलेंगे, जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं ये काइनेटोकोर, ठीक है। आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोमियर के, किसमें, सेंट्रोमियर के अगल बगल, ठीक है। बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजिशन के हिसाब से क्रोमोसोम को हम क्लासीफाइड कर सकते हैं, चार क्लासेस में, चार टाइप में क्लासीफाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके बेसिस पे हम क्रोमोसोम को चार टाइप में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, तो हम बोलेंगे सेंट्रोमियर के बेसिस पे। सेंट्रोमियर बीच में प्रेजेंट है, मिडिल पे प्रेजेंट है यानी, या फिर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कैसे क्या प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम क्रोमोसोम को चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हमको फिगर में दिखाया गया है, फिगर देखेंगे हम 8.12 में, पहले टेस्ट में देख लेते हैं, है ना। पहला टाइप क्या है इसका, मेटासेंट्रिक, है ना, मेटासेंट्रिक। मेटा में क्या आ रहा है, यम आ रहा है, मेटा में क्या आ रहा है, यम आ रहा है। तो इसमें जो होगा, क्रोमोसोम हैज ए मिडिल सेंट्रोमियर, है ना, इसमें इस क्रोमोसोम में, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा, सेंट्रोमियर जो होगा मिडिल में होगा। सेंट्रोमियर कहाँ होगा, मिडिल में होगा, देखते हैं। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज ए मिडिल सेंट्रोमियर, यानी मेटासेंट्रिक में जो क्रोमोसोम होगा वो मिडिल में होगा, है ना, मिडिल में होगा। तो मिडिल में क्या होगा, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये, तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर्स है ये पाया जा रहा है, मिडिल पे पाया जा रहा है, तो दो इक्वल आर्म बन रही है ना, एक आर्म ये हो गई और एक आर्म ये हो गई, यानी दो इक्वल आर्म हो गई, यानी ये जो हुई एक क्रोमेटिड हुई, यानी सिस्टर क्रोमेटिड, ऊपर वाली को क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, मैं आपको फिगर में बताऊंगा, है ना। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है जो मिडिल सेंट्रोमियर्स, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो होता है वो मिडिल में होता है यानी बीच में होता है, फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, और वो दो इक्वल आर्म बनाता है क्रोमोसोम की, दो इक्वल आर्म बनाएगी, दो बजाएं बनाएंगी क्रोमोसोम की, है ना, इक्वल बनाएगी मेटासेंट्रिक वाला, ठीक है, याद रखेंगे। बीच में होगा इसमें सेंट्रोमियर, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब मेटासेंट्रिक, सब मतलब बीच से ऊपर नीचे होगा, है ना, मतलब बीच में नहीं होगा, मिडिल में नहीं होगा, क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक आया। क्रोमोसोम हैच, इसमें क्या होता है, इस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जो होता है स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन टू वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। इसमें क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक में होगा, जो क्रोमोसोम होगा वो मिडिल से अवे हो जाएगा, है ना, स्लाइटली अवे, मिडिल में नहीं होगा। इस वजह से क्या होता है, जो क्रोमोसोम बनाते हैं उसमें एक वन शॉर्टर आर्म बन जाएगी, यानी एक आर्म छोटी हो जाएगी और एक आर्म बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इस ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम को सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। फिगर में मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक, अब क्या हुआ, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, है ना, सेंट्रोमियर्स होता है यानी एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर्स होगा वो एक तरफ एक आर्म की क्लोज सिचुएटेड होगा, है ना। तो उसमें क्या हो जाए, एक आर्म की तरफ जो क्लोज सिचुएटेड होगा तो एक में क्या होगा, वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक मतलब बहुत ही, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत, क्या आता है, बहुत छोटी, है ना, इसमें एक्सट्रीमली शॉर्ट बोला, बहुत छोटी और एक वेरी लॉन्ग, है ना, और एक बहुत लंबी आर्म बन जाएगी, किसमें, एक्रोसेंट्रिक में, ठीक है, क्योंकि इसका जो सेंट्रोमियर्स होगा एक कॉर्नर पर सिचुएटेड होगा, ठीक है। तो इसी वजह से एक छोटी मतलब बहुत छोटी और एक बहुत लंबी आर्म बन जाएगी। वेयर वेयर एज, जबकि टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, वेयर एज क्रोमोसोम एज ए टर्मिनल, टीलो के नाम में टी आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, क्रोमोसोम में क्या होगा, टर्मिनल होगा, क्या होगा, टर्मिनल सेंट्रोमियर्स होगा। टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, टर्मिनल सेंट्रोमियर्स होगा। इसमें क्या है, टीलोसेंट्रिक है जे, टीलोसेंट्रिक है जे टर्मिनल, टीलोसेंट्रिक है जे टर्मिनल सेंट्रोमियर, इसमें जो सेंट्रोमियर्स होगा वो टर्मिनल सेंट्रोमियर होगा, ठीक है। आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ, इसमें जो फिगर दिखाया गया आपको, ये काइनेटोकोर का दिखाया गया है ना, ये काइनेटोकोर का फिगर है विद क्रोमोसोम, है ना, काइनेटोकोर और क्रोमोसोम का फिगर दिखाया गया है। ये जो है ये क्रोमोसोम की आर्म है ना, ये जो है क्रोमोसोम की आ रहे हैं और ये जो है काइनेटोकोर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, प्रोटीन का बना होता है, क्रोमोसोम विथ काइनेटोकोर्स, है ना, ये हमको दिखाया गया। अब यहाँ पे हमको ये फिगर दिखाए गए हैं, ये जो हमको फिगर दिखाया गया है, ये पहला फिगर जो हमारा, ये किसका दिखाया गया है, ये पहला जो फिगर है मेटासेंट्रिक का दिखाया गया है, किसका, मेटासेंट्रिक का, यानी ये मेटासेंट्रिक का फिगर है ये वाला, इसमें जो सेंट्रोमियर्स है ये मिडिल पे है और यहाँ पे क्या, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं,
प्राइमरी कॉन्टेक्सन बोलते हैं, ये जो सेटेलाइट होती हैं, सेटेलाइट कहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले में यूज होती हैं, और इसमें क्या है सेकेंडरी कॉन्टेक्सन है, इनको स्टैंड नहीं किया जा सकता है। सेकेंडरी कॉन्टेक्सन होती है, इनको हम स्टैंड नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं स्टैंड नहीं कर सकते हैं, इनको कलर्ट नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं स्टैंड नहीं कर सकते हैं, नॉट स्टैंडिंग पॉसिबल इन सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्शन। हम याद रखेंगे कि स्टैंडिंग किस में पॉसिबल नहीं है, सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्शन में स्टैंडिंग पॉसिबल नहीं है, है ना। प्राइमरी कॉन्ट्रेक्शन किसको बोलते हैं, सेंट्रोमियर को बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे क्या होते हैं, डिस्लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, काइनेटोकोर अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर इनसे जुड़ते हैं आके, ठीक है। और उसके बाद क्या, इसमें मिडिल में क्या सेंट्रोमियर दिखाई, इसमें टू इक्वल आर्म होगी ना, ये जो आर्म हुई, ये ऊपर वाली जो आर्म हुई, ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गई, क्या होगी सिस्टर क्रोमेटिड। ये ऊपर वाली आर्म को क्या बोला, इन दोनों आर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। यानी एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं, तो दो क्रोमेटिड होते हैं एक क्रोमोसोम में, ठीक है, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिखाया गया है हमको, ये फिगर जो दिखाया गया है, ये किसका फिगर दिखाया गया है हमको, सब मेटासेंट्रिक का, है ना। इसमें क्या है, सेंट्रोमियर जो है एक तरफ अवे है ना, मिडिल से मिडिल में नहीं है, अवे है, तो एक तरफ की ये जो आर्म है ये क्या हो गई, लॉन्ग हो गई, ये क्या हो गई, लॉन्ग हो गई, ये क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, है ना, ये क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, है ना। ये किसका एग्जांपल है, सब मेटासेंट्रिक का फिगर दिखाया गया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो फिगर दिखाया गया हमको, थर्ड नंबर का फिगर दिखाया गया है, ये एक्रोसेंट्रिक का दिखाया गया है, किसका, एक्रो का, एक्रोसेंट्रिक का दिखाया गया है। इसमें जो सेंट्रोमियर बिल्कुल कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो यानी एक स्ट्रीमली लॉन्ग हो गई, ये वाली जो होगी बहुत लंबी हो गई, क्या हो गई, बहुत लंबी हो गई, बहुत लंबी हो गई, ये बहुत छोटी हो गई, है ना, इसलिए इसको एक्रोसेंट्रिक बोला, इसमें कॉर्नर पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टीलोसेंट्रिक, टीलो के नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनल, इसमें जो सेंट्रोमियर होगा क्या होगा, टर्मिनल होगा, टर्मिनल सेंट्रोमियर होगा, क्या होगा, टर्मिनल होगा सेंट्रोमियर, टर्मिनल सेंट्रोमियर होगा, ठीक है। इसमें एक बहुत ही छोटी हो जाएगी और बहुत ही लंबी हो जाएगी, यानी टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, टर्मिनल सेंट्रोमियर्स होगा, ठीक है। और एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं, दो क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है। और आगे पूछते हैं ना, आगे कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कि इन क्रोमोसोम के मेटासेंट्रिक का शेप क्या होता है, है ना, मेटासेंट्रिक का शेप क्या होता है, और इसका सब मेटासेंट्रिक का शेप क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक का शेप क्या होता है, और टीलोसेंट्रिक का शेप क्या होता है। तो शेप के बेसिस पे हमसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो मैं आपका शेप बता देता हूँ इनको। जो मेटासेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक का शेप जो होता है वी शेप होता है, है ना, और इसका सब मेटासेंट्रिक का एल शेप होता है, और जो एक्रोसेंट्रिक का होता है जे शेप होता है, और टीलोसेंट्रिक का जो होता है वो आई शेप होता है। यानी इसका जो शेप होगा, मेटासेंट्रिक का शेप होगा वी शेप होता है, वी शेप होता है, और सब मेटासेंट्रिक का यल शेप होता जाता है, सब मेटासेंट्रिक का कैसा होता है, यल शेप होता है, और एक्रोसेंट्रिक का जो होता है वो जे शेप होता है, और टीलोसेंट्रिक का जो होता है शेप, टीलोसेंट्रिक वाले का शेप कैसा होता है, आई शेप हो सकता है, आई शेप होता है। तो इसको एक तरीके ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, बिलजी, बिलजी यानी जो मेटासेंट्रिक वाला होगा वी शेप होगा, सब मेटासेंट्रिक वाला जो होगा यल शेप होगा, और जो जो इसका एक्रोसेंट्रिक होगा वो जे शेप होगा, और ई मतलब आई, है ना, बड़ी की मात्रा हुई तो आई से, यानी विलजी, विलजी से हम याद कर सकते हैं कि, यानी हमको पहले याद करना होगा कि जो मेटासेंट्रिक होगा तो उसमें कैसा शेप होगा, वी शेप होगा, सब मेटासेंट्रिक में कैसा शेप होगा, यल शेप होगा, और एक्रोसेंट्रिक में कैसा शेप होगा, जे शेप होगा, और टीलोसेंट्रिक में कैसा शेप होगा, आई शेप होगा। ये साइज के शेप के बेसिस पे भी, यानी इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में। सो आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्या हमको दिखाया गया था, हमको टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के बेसिस पे हमने क्रोमोसोम को चार भागों में डिवाइड किया था, चार टाइप में डिवाइड किया था, ठीक है, समझ गए आप, मुझे पता है, ठीक है। आगे क्या दिया गया हमको एनसीईआरटी में, सम ऑफ फ्यू क्रोमोसोम्स, है ना, सम टाइम ए फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट द कॉन्स्टेंट लोकेशन, है ना, क्या हो इसमें बताया हमको, ये बताया कुछ समय, है ना, सम टाइम कुछ समय फ्यू क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम में क्या होता है कि नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी सेटेलाइट होता है ना, सेटेलाइट के बारे में बताया था ना मैंने, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जो कि नॉन स्टैंडिंग होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो कहता है तो नॉन स्टैंडिंग होता है, हम उसको स्टैंड नहीं कर पाएंगे, है ना, इसको हम रंग नहीं सकते हैं, कलर नहीं कर सकते हैं। कुछ क्रोमोसोम में क्या होता है,
नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं एट कॉन्स्टेंट लोकेशन, एक अपने कॉन्स्टेंट लोकेशन पे, मतलब एक स्थित पे, एक लोकेशन पे, एक प्रॉपर जगह पे वो पाए जाएंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पाए जाएंगे जिनको हम क्या करते हैं स्टैंड नहीं कर सकते हैं, है ना। दिस गेव द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट, ये क्या देते हैं, ये सैटेलाइट देते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं, ठीक है। इनके अपीयरेंस क्या बनता है, सैटेलाइट बनता है। दिस गेव ए अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन से क्या बनता है, सैटेलाइट बनता है, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, सेकेंडरी सैटेलाइट कहाँ पे यूज होता है, सैटेलाइट यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, इनका यूज क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज करते हैं सैटेलाइट का। आगे क्या है, माइक्रो बॉडी के बारे में दिखाया गया, माइक्रो बॉडी का नाम ही से पता चला, माइक्रो और बॉडी मतलब छोटी छोटी बॉडी होंगी, है ना। इनका काम क्या होगा, ये किस में पाई जाएंगी सब बताते हैं आपको। माइक्रो बॉडीज है ना, छोटी छोटी बॉडी होंगी, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, है ना, बहुत सारी होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, कैसी होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल होती है, यानी छोटी छोटी वेसिकल होंगी, यानी गुंडी की नुमा आकार होंगी, उसमें इनका मटेरियल कंटेंट होगा, ठीक है। कॉल्ड माइक्रो बॉडी है ना, मिनी मेम्ब्रेनस बाउंड वेसाइकल होती हैं जिनको माइक्रो बॉडी बोलते हैं। ये क्या कंटेंट करती हैं, ये कंटेंट करेंगे, वेसाइकल का काम क्या होता है, चीज़ों को कंटेन करना, है ना, चीज़ों को उसमें इकट्ठा करना, सैक लाइक स्ट्रक्चर, तो चीज़ें उसमें स्टोर ही होंगी, है ना। तो इसमें क्या कंटेन होगी, इसमें कंटेन होगी वेरियस एंजाइम यानी डिफरेंट एंजाइम हो सकते हैं, है ना, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, बोथ प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो बॉडी का काम क्या होता है, माइक्रो बॉडी वेरियस एंजाइम को कंटेन करती हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होती हैं, छोटी छोटी वेसिकल होती हैं, है ना, इनको माइक्रो बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती हैं, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, और जुड़े रहें ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, अच्छे से हम सारी की सारी चीज़ें इलेबोरेट करके अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे।